बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इमरान। आप अक्सर मेरी वीडियो यूट्यूब पे देखते रहते हैं। राइड विद इमरान के नाम से मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल। और ये मेरे भाई हैं और ये साहबाजी हैं, तो इनका यूट्यूब चैनल है सैमा फैमिली ड्रामा व्लॉग। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इनकी वीडियो को लाइक करें और इनकी वीडियो को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इनकी थोड़ी सपोर्ट हो सके। तो इंशाल्लाह जो कोशिश मेरे से हो सकी मैं भी करूँगा। आप दोस्त जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप इनकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि इनका वॉच टाइम थोड़ा कम्प्लीट हो सके। बहुत मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त है मेरी बेटी है असद प्यो दी इतने मेजर अजीज की यादगार से आए हैं। मेजर अजीज पाकिस्तान की खातर इतने इन्होंने जंग लड़ी है, पाकिस्तान फतह किया इन्हें, तो पाकिस्तान की खातर इन्होंने इतने अपनी जान नजराना पेश की, शहादत शहादत पाई है। तो असी इस वक्त उन्होंने यादगार से उन्होंने मतलब मज़ार से जी उन्होंने जगह बनी हुई जिते शहीद होए ने असी इस वक्त उठे आए। तो आज चल के आए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। ओ जी, हम अंदर एंटर हो चुके हैं, ये देखें, ये उसका ग्राउंड बना हुआ है और ये भी है, आस पास जगह छोड़ी। ओ जी, हम अंदर एंटर हो चुके हैं, तो ये देखें उन्होंने जगह छोड़ी, लोग आते हैं जाते हैं, देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं। तो अब हम इधर जा रहे हैं। हम भी सलाम पेश करते हैं और पूरा पाकिस्तान भी सलाम पेश करता है। और ये देखिए, ये उनकी पिक्चर है, तस्वीर बनाई हुई है। तो जी यहाँ पे जहाँ इन्होंने शहादत पाई है, ये जगह है उनकी, यहाँ पे आप मेजर साहब ने यहाँ पे शहादत पाई है, तो आप देख सकते हैं। आज हम यहाँ का विजिट करने आए हुए हैं। ये हमारे साथ कुछ और भाई भी हैं और इनको भी दिखाते हैं ये तारीख। तो ये मेजर साहब की तारीख लिखी हुई है, ये मेजर साहब को जो तमगा दिया गया है वो लिखा हुआ है और उसकी तारीख लिखी हुई है कि जो मेजर साहब ने इधर पाकिस्तान के लिए किया है और इनके आगे आने वाली नस्लें भी कर रही हैं इनकी, और ये करते रहेंगे पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ, और हमें भी अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम भी पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ करते रहें, हमारे बच्चे भी आगे जो हमारी नस्लें हैं वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ करें और करते रहें। तो नाज़रीन, आप भी आएँ यहाँ पर और देखें, ये मेजर साहब 1965 की जंग में यहाँ पर शहीद हुए थे। आओ इधर, ये ऊपर दिखाएं, ये कैमरामैन मैन मेरा दिखा सकता है तो ये ऊपर दिखाएं। ये ऊपर भी कलामात लिखे हुए हैं। तो आए नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ पर मेजर अजीज भट्टी आगे नहर है जिसको बीआरबी नहर कहते हैं, ये आपको दिखाते हैं कि इसके ऊपर आपने 3-4 दिन अकेले ने जंग लड़ी है। अल्लाह इसको शहादत का रुतबा बुलंद फरमाए। तो आइए नाज़रीन, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, चलता हूँ थोड़ा सांस फूल जाता है, इसीलिए पूरा बोला नहीं जा रहा। जितनी कोशिश हो सकती मैं उतनी करूँगा, आपके लिए करूँगा। आओ तो जी, माशाल्लाह से ये देखें,
ये बेंच बने हुए इधर लोग आके बैठते भी है और ये साथ में बियर भी नहर है। ये बियर भी नहर है, बहुत बड़ी नहर है। ये इसके आगे सारा बॉर्डर का एरिया है, ये सब आगे बॉर्डर ही है। इधर बैठ कर लोग नहर का नज़ारा करते हैं, नहर को देखते हैं और नहाते भी हैं। मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, नहा नहीं सकता हूँ, वरना मैं आपको नहा कर दिखाता। इधर लोग नहाने के लिए भी आते हैं, सैरो तफरी के लिए भी आते हैं। ये देखो ये बच्चे अभी नए आए हैं, ये बच्चे नए आए हैं, दोनों बच्चे नए आए हैं। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको हयाती बख्शे और खुदा बाद नज़र से बचाए। ये दोनों बच्ची आई हैं, ये नहर को देख रही हैं और मेजर अजीम भट्टी के निशाने हैदर को देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का हमारा व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। ये वो जगह है जहाँ पे मेजर अजीम भट्टी साहब शहीद हुए थे। तो आज का हमारा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। आगे नेक्स्ट नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।